नमस्कार, मैं वैद्य नवीन जोशी आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विशेष जो लेक्चर है वो स्वित्र रोग पर है, ल्यूकोडर्मा टॉपिक है। हालांकि इस टॉपिक पर प्रोफेसर उमा शंकर निगम सर ने कई बार व्याख्यान दिया है, लेकिन हमारे साथ एक बिल्कुल यंग और युवा वैद्य अरविंद पाठक जी, जो लगातार त्वचा लोगों पर अपनी सीरीज चला रहे हैं, उनकी ये सीरीज का पांचवा लेक्चर है। वैद्य अरविंद पाठक जी पुणे के एक बहुत प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं और विभिन्न संहिताओं पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। मेरी नज़र उन पर काफ़ी समय से बनी हुई थी। तकरीबन वैद्य अरविंद पाठक जी, आप मुझे करीब ऑर्कुट के जमाने से हम जुड़े हुए हैं, नहीं एम आई राइट? 2007 से तकरीबन 13 वर्ष से वैद्य अरविंद पाठक जी मुझे फॉलो करते हैं और मैं उनके तमाम सारे उनकी एक्टिविटीज को बहुत नजदीक से वॉच कर रहा था। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि वैद्य अरविंद पाठक जी कोई एक दिन में आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। 13 साल तक मैंने उनको वॉच किया, उनको ऑब्जर्व किया, उनकी एक्टिविटीज को, और वाकई वो नॉलेजेबल पर्सन है और सीखने की इच्छा रखते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मैंने ऐसे वैद्य बहुत कम देखे हैं जिनके पास ज्ञान भी है और विनम्रता भी है। उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत सामान्य और बहुत नेचुरल है, जिसे लोग पसंद करते हैं, और हमें ये सीखना चाहिए कि आप जितना ज्ञान से आप जितना प्राप्त करते हैं, उतनी ही आपके अंदर विनम्रता आती है। इसके बेहतरीन उदाहरण हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी हैं। तो वैद्य अरविंद पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं चाहूंगा कि आप जो कॉस्मेटिक्स रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स रहती है हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास, स्वित्र के बहुत रोगी आते हैं ल्यूकोडर्मा के, और जैसा कि कहा गया कि ओष्ठगत जब ओष्ठ में पहुंच जाए तो वो स्वित्र असाध्य है, बहुत सारे लोग इसकी, और इसका एक मैं आपको निदान बताऊं तो बचांस सत्यानि कृतघ्न भावो निंदा सुराणाम गुरु घर्षणम च पापम कृतम पूर्व कृतम च कर्मम हेतु किलासस्य। यानी कि वैसे तो वैद्य अरविंद पाठक इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। कहा गया कि यदि आप बोलने में किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं, कृतज्ञ भावो, यदि किसी ने आपका एहसान किया और आप एहसान फरामोश निकले, निंदा यानी आप दूसरे की निंदा करते हैं, और गुरु घर्षणम च, जिसने आपको ज्ञान दिया वो गुरु चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उस गुरु का अपमान करते हैं, पापम कृतम, और आप किसी भी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, और यदि ये सब ना भी करते हैं तो पूर्व कृतम च कर्मम हेतु किलास। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ कुष्ठ रोग अधिकार में महर्षि चरक ने चरक संहिता चिकित्सा स्थान में बताए हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए वैद्य अरविंद पाठक जी को आमंत्रित करता हूँ। वैद्य जी, आज आप अपने अनुभूत योगों से जो आपने संकलित किए हैं, अपने गुरुजनों के पास जाके जो सीखा है, और बड़े विनम्र हैं आप, तो जरूर आप हमारे हमारे चिकित्सकों को, हमारे छात्रों को और हमारे प्रैक्टिशनर्स को आप अपडेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे से। पुणे जो नगरी है यह विद्वानों की नगरी पहले से ही है। ऐसा बताया जाता है कि पुणे में पुण्य जो करते हैं वो लोग ही आते हैं, और यहाँ पर जो भी विद्वान है मैं तो उनका एक अंश हूँ। यहाँ पे विद्वान इतने ज्यादा हैं, जो लोग इतना मतलब डीप स्टडी करते हैं। मुझे एक बार याद है कि 2008 या 9 में आयुर्वेद व्यासपीठ पुणे में एक लेक्चर अरेंज किया गया था, तो एक मुंबई के डॉक्टर आए थे, वो बीएमएस ही थे, और उन्होंने आके और पूरे मॉडर्न में जो स्किन डिजीजेज है वह उन्होंने बताए और पीपीटी प्रेजेंटेशन किया आयुर्वेद व्यासपीठ के मंच पे। और फिर वहां उन्होंने बताया कि मैंने ये डिजीज है एलोपैथी का और इस पे मैंने ये दवाई दिया, फिर ये डिजीज है मैंने मतलब 4-5 दवाइयां बताई उन्होंने, कैशर गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, ऐसे कुछ कुछ दवाइयां बताई। तो पुणे के सारे वैद्य लोग भड़क गए, उन्होंने कहा कि आपने संप्राप्ति क्या देखा, दोष दुष्य क्या देखा, अंशांश कल्पना से बताइए। तो बोले नहीं नहीं मैं इससे तो बहुत अच्छा करता हूँ, बड़े बड़े मुंबई के हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हमको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पुणे के वैद्य लोगों को यह मान्य नहीं हुआ। पुणे में कैसा है कि आपको ना एकदम परफेक्ट रहना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि जैसे कोई बोलेगा कि विटिलिगो का दवाई बता दीजिए और मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा और हो गया,
यहाँ ऐसे शांत बैठने वाले नहीं है, यहाँ इतने विद्वान लोग हैं, इतने विद्वान लोग हैं। तो आप लोगों को ना एकदम यहाँ पे कैसा अपडेट रहना पड़ता है, शास्त्र का एकदम अभ्यास रहना पड़ता है, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। तो सर्वाइव का मतलब है कि विद्वान लोगों के मंडली में जाके आप कुछ ऐसे अपने बात रख नहीं सकते हैं, आप लोगों का पूरा अभ्यास होना चाहिए। वो लोग ना एनालिसिस करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते वो आपको मान्यता नहीं देते हैं। इसीलिए ना हमें हमें बहुत ज्यादा डीप स्टडी करना पड़ता है। अभी मैं आगे बात बताता हूँ कि जो त्वचा होती है, तो त्वचा है ना, इसको सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया है कि मांस धरा कला। तो मांस धरा कला में ऐसे सात त्वचा आई है, मतलब जो स्किन होता है अपना, इसमें इसमें एलोपैथी में भी डर्मिस और एपिडर्मिस ऐसे लेयर्स बताए हैं। लेकिन जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में पहले क्या करते थे कि जो सुश्रुत वगैरह जो आचार्य होते थे वो लोग डेड बॉडी का डिसेक्शन करते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि जो डेड बॉडी, किसी का डेड बॉडी है उसको कुश का रस्सी ऐसे बनाते थे और उसको रस्सी से बांध के और एक पेड़ से बांध के और न नदी के किनारे वो लोग ना ऐसे छोड़ देते थे। तो ऐसे 7 दिन में वो बॉडी फूल जाती थी, फिर वो दातुन की तरह ब्रश बनाते थे और उससे ना वो स्किन को, मतलब डेड बॉडी को लेके और स्किन को ऐसे घस घस के ऐसे लेयर्स दिखते थे। तो ऐसे अवलोकन करके उन्होंने बताया कि स्किन के 7 लेयर्स हैं। वह जानना आपको जरूरी है क्योंकि मैं विटिलिगो पढ़ा रहा हूँ, सूत्र पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो 7 लेयर्स है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो यही चीज मैं सुश्रुत संहिता में, जो शारीर स्थान में चतुर्थ अध्याय, मतलब सुश्रुत संहिता का शारीर स्थान का 4th चैप्टर है, उसमें क्या बताया 7 लेयर वह मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला है बताया है कि प्रथमा अवभासनी नाम, मतलब पहला जो त्वचा है उसका नाम है अवभासनी, या सर्वान वर्णान अवभाव अवभासीयति, मतलब जितने भी अपने शरीर के कलर हैं वह ना उसको अवभासित करती है, मतलब उसको शो करती है। अगर कोई इंसान काला है, कृष्ण वर्ण का है या श्याम वर्ण का है, कुछ भी वर्ण का हो, लेकिन उसकी जो त्वचा का जो लश्चर है वह अवभासनी त्वचा में ही दिखता है। पंचविधाम च छायां प्रकाशयति, या 5 तरह के कलर दिखाती है, 5 तरह के कलर जो रहते हैं, जो बहुत ज्यादा ये रहता है गोरा रहता है, जो मीडियम रहता है, फिर कृष्ण वर्ण का, उनके बीच का, ऐसे 5 तरह का कलर यह दिखाती है मनुष्यों में। उसमें उसके बाद में बताया है कि सा व्रीहि अष्टादश प्रमाणा, मतलब अगर व्रीहि चावल ले लिया, कोई भी चावल ले लिया, उसका 1/18 भाग मोटाई, इतना इसका लेयर रहता है। और इसमें कौन कौन सी व्याधियां होती है, तो ऐसा बताया है कि सिद्म रोग होता है, पद्म कंटक होता है, आदि ऐसे रोग होते हैं जो इस पहली त्वचा में होते हैं। उसके बाद में है द्वितीया, द्वितीया लोहिता नाम, व्रीहि षोडश भाग प्रमाणा, मतलब दूसरी लेयर का नाम है लोहिता, और यह व्रीहि चावल के 16वें भाग, इतनी मोटाई की होती है। और इसमें क्या होते हैं, तो तिल, तिल वगैरह जो रहते हैं, तिल कालग नेच व्यंग व्यंगाधिष्ठाना, मतलब इसमें व्यंग होते हैं, जो एक्ने होना है, एक्ने होता है, फिर तिल होता है, फिर व्यक्ष होता है, अलग अलग जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ से ही शुरू होते हैं और यही ऊपर हमें दिखाई देते हैं। फिर तीसरा है, उसका नाम है श्वेता। तो तृतीया श्वेता नाम, व्रीहि द्वादश भाग प्रमाणा, मतलब व्रीहि का 1/12 भाग जो रहेगा उसके प्रमाण में श्वेता त्वचा रहती है। और इसमें क्या रहता है कि चर्म दल, मतलब जो केलाइड्स रहते हैं, चर्म दल होता है, अज्जगल्लिका नाम का बीमारी होता है, फिर मस्सा जो होता है, मशक मस्सा होता है, वह तृतीय त्वचा में होती है, वहां से उत्पन्न होती है। उसके बाद में है ताम्रा नाम की त्वचा होती है, चतुर्थी ताम्रा नाम, व्रीहि अष्ट भाग प्रमाणा, मतलब व्रीहि का 1/8 भाग, इतनी मोटी होती है। विविध किलास कुष्ठाधिष्ठाना, मतलब इसी में ये जो शीत्र रोग है, कुष्ठ रोग है, ये सब होते हैं, स्किन डिसऑर्डर, जो बड़े बड़े बीमारियां होती है स्किन की, वह यहीं से होती है। तो मुझे इसका बताने का यही उद्देश्य है कि जो 4th त्वचा है ताम्रा नाम की, वहां से ही ये दिखता है, वहां से ही व्हाइट पैचेस आना शुरू होते हैं। तो वो मतलब टोटल 7 लेयर हैं, 4th लेयर से शुरू होके वो अवभासनी तक ऐसे दिखाई देते हैं कि व्हाइट हो रहे हैं। उसके बाद में है पंचमी वेदनी नाम, गृह पंच भाग प्रमाणा, जो 5वीं त्वचा है उसका नाम वेदनी है, और उसमें उसका प्रमाण है कि 1/5 भाग, जो व्रीहि अगर लेंगे, एक चावल लीजिए, चावल का 1/5 भाग जो रहेगा, उतना मोटी ये त्वचा रहती है। और इसमें क्या होता है कि कुष्ठ विसर्पाधिष्ठाना, इसमें कुष्ठ रोग होगा और विसर्प आदि रोग इसमें अधिष्ठित रहते हैं, इसी में शुरुआत होते हैं। फिर है षष्ठी रोहिणी नाम, व्रीहि प्रमाणा, जो इसके नीचे की लेयर है उसका नाम है रोहिणी,
रोहिणी त्वचा में क्या होते हैं, या व्रीही, एक चावल के दाने इतना मोटी होती है, मतलब आपने ऐसे चावल का दाना ऐसे रख दिया, हॉरिजॉन्टली रख दिया, तो जो उसका प्रमाण होते हैं उतना ये रोहिणी नाम की त्वचा होती है। फिर इसमें क्या क्या होते हैं रोग, तो ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद, गलगंडादि स्थाना, मतलब ग्रंथि रोग होगा, अपची रोग होगा, अर्बुद होगा, फिर श्लीपद रोग होगा, श्लीपद मतलब एलिफेंटाइटिस, और ग्रंथि मतलब कोई भी ट्यूमर होता है, अर्बुद, अपची, आप लोगों को पता होगा कि ये जब गलगंड ज्यादा बढ़ जाता है तो गंडमाला की एक ऐसे लेयर बन जाती है ग्रंथियों की, तो उसको ग्रंथि के आगे की अवस्था को अपची बोलते हैं, तो श्लीपद हो जाता है, फिर गलगंड जो ग्वाइटर हो जाता है वह भी वहीं से शुरुआत होती है, मतलब अंदर ग्रंथि होगा लेकिन वहां से वो इरप्ट होना शुरू हो जाता है, तो यह है रोहिणी नाम की त्वचा। उसके बाद में है सप्तमी मांसधरा नाम, व्रीहि द्वय प्रमाणा, दो चावल को हॉरिजॉन्टली रख देंगे तो जितना मोटाई होगा उतना ये लेयर रहता है, मांसधरा नाम। इसमें भगंदर विद्रधि अर्शोधिष्ठाना, मतलब इसमें अर्श रोग होता है, भगंदर रोग होता है, फिर उसके बाद में विद्रधि होता है, तो यह जब हम जानते हैं तो हमारे जो गुरु लोग हैं वो लोग ने इस एक एक जो लेयर है उस पे जो काम करने वाली दवाइयां हैं उतना सूक्ष्म में विचार करके दवाइयां देते हैं, और इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि क्या बताएं। अब मैं सुश्रुत संहिता को रखता हूँ क्योंकि सुश्रुत संहिता का हमें एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी था, उन्होंने जो भी बताया है। अब मैं श्वित्र रोग पे आता हूँ। श्वित्र रोग जो है इसके बारे में माधव निदान में ऐसा बताया है कि कुष्ठैः सम्भवं श्वित्रम् कीलासम वारुणम भवेत्, मतलब जो कुष्ठ रोग के हेतु है वही सेवन अगर ज्यादा मात्रा में किया जाता है तो वह भ्राजक पित्त को खराब कर देता है, हमारे त्वचा में भ्राजक पित्त का अधिष्ठान रहता है, और भ्राजक पित्त ही हमारे शरीर को कलर देता है, तो भ्राजक पित्त अगर विकृत हो गया और उसकी वजह से वहां के जो ये है मेलानिन, मतलब जो कलर है वह चेंज होने लगा, प्राकृत अवस्था छोड़ दिया और यह सफेद होने लगा, पूरा व्हाइट होने लगा, तो कुष्ठ या किलास ऐसे व्याधियां हो जाती हैं, कुष्ठ रोग श्वित्र, श्वित्र या किलास होने लगता है, मतलब यहाँ पे व्हाइट पैचेस को श्वित्र एक नया संज्ञा दिया है, और श्वित्र अगर ज्यादा बढ़ जाए और पुए युक्त हो और सड़न होने लगे तो उसको किलास बोलते हैं। उसके बाद में निर्दिष्टम परिस्रावित्री धातु भव संभव संशयम, इसका मतलब है कि अगर परिस्राव वगैरह होने लगे, बहुत सारा लिक्विड ऐसे पस आने लगे तो वह किलास बन जाता है और फिर वह ना खराब होने लगता है त्वचा। उसके बाद में एक और है किलासमपि, मतलब सुश्रुत संहिता में निदान स्थान में बताया है कि किलासमपि कुष्ठ विकल्प एव, किलास या श्वित्र है यह जो है यह कुष्ठ का ही एक विकल्प होता है, तत्त्रिविधम वातेन पित्तेन श्लेष्मणः चेति, मतलब ये वात पित्त कफ इन तीनों का इसमें संयोग रहता है उसकी वजह से होता है, कुष्ठ किलास है और अंतरम त्वगतमेव किलासम परिस्रावी च, मतलब कुष्ठ जो है कुष्ठ ही आगे जाके किलास में कन्वर्ट हो जाता है अगर भ्राजक पित्त की ज्यादा दुष्टि होने लगी तो, और त्वचा में एक किलास होने लगता है और कभी कभी यहाँ पे स्त्राव होने लगता है तब उसको हम किलास ये संज्ञा देते हैं, मतलब श्वित्र और किलास जो है वह प्राइमरी स्टेज जब रहता है तब श्वित्र रहता है, आगे की स्टेज जब जाता है तो किलास होता है, और ऐसा बताया कि कुछ लोग जो है वो किलास और श्वित्र को एक ही चीज बोलते हैं, पर्याय एक ही चीज बोलते हैं, श्वित्र हो गया, किलास हो गया, या वारुण, ये सारे सिनोनिम्स हैं एक ही, लिकोडर्मा विटिलिगो इसी को बोला जाता है, चरक चरकाचार्य ने इसको दारुण बोला है, मतलब वो सीवियर हो जाता है, अभी भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि जिसको श्वित्र हो गया है, व्हाइट पैचेस आ गए हैं तो उनकी शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब इसको छुआछूत जैसा माना जाता है, और शादी में ऐसा बोला जाता है कि नहीं इनको श्वित्र है तो इनसे विवाह तो करना नहीं है क्योंकि वो कुरूप दिखाई दे रहे हैं, अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और दूसरा बात है कि ऐसा माना जाता है कि उनके बच्चों को भी यह प्रॉब्लम होगी, तो बहुत शादियों में अड़चन आती है, मतलब या फिर शादी के बाद किसी लड़की को हो गया तो फिर ना उसको बहुत मतलब अपवित्र अछूत की तरह माना जाता है, ये भारतीय संस्कृति में बहुत दिन से आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, केवल कलर चला गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अशुद्ध या अपवित्र हो गए, ये लेकिन मानसिकता होती है, क्योंकि ना हर कोई चाहता है कि हमारे घर में बहू आए या दामाद आए तो सुंदर होना चाहिए, उसका स्किन अच्छा होना चाहिए, अभी क्या है कि इसकी चिकित्सा के लिए लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, तो मतलब बाबा रामदेव के उधर भी जाते हैं, वो सर्व कायाकल्प बाकुची चूर्ण वगैरह देते हैं, लेकिन वो 7 साल 10 साल ऐसे दवाई देते हैं तब भी वो कलर अच्छा नहीं होता, मैं जो बताऊंगा वो एकदम प्रैक्टिकली इतना परफेक्ट दवाई है कि 15-20 दिन में ही कलर आने लगता है, जो मैं बताऊंगा वो आप लोग करके देखिए, श्वित्र के पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और पूरा कलर नॉर्मल हो सकता है, ये हम आप लोगों को मालूम ही नहीं है,
आगे मैं बता रहा हूँ कि कुष्ठ रोग जो है, यह कुष्ठ रोग जो है संक्रामक व्याधि है, मतलब इन्फेक्शन से होने वाला व्याधि है, ये एक से दूसरे को फैलता है, लेकिन जो श्वित्र है ये फैलने वाला बीमारी नहीं है। कुष्ठ रोग और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और क्या है कि कुष्ठ और श्वित्र का संप्राप्ति देखेंगे, दोष दूष्य सम्मूर्छना देखेंगे तो ज्यादातर सेम ही रहती है। जैसे कुष्ठ रोग है कि तीन दोष हैं, चार दूष्य हैं, मतलब वात पित्त कफ रहता है, और चार दूष्य ऐसा रहता है कि त्वचा रक्त मांस लसिका, चार दूष्य रहते हैं। लेकिन इसमें श्वित्र में क्या रहता है कि जो त्वचा रक्त मांस लसिका है उसके साथ में रक्त दुष्टि ज्यादा होती है, और पित्त दोष में भ्राजक पित्त जो रहता है वह विकृत हो जाता है, तो जो शरीर को कलर देने का है जो एक मतलब एक तत्व है वह विकृत हो जाता है, जिसको भ्राजक पित्त बोलते हैं, वह ना विकृत हो जाता है तो कलर अपना कम होने लगता है शरीर में। इसके लिए पहले हेतु जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी पंडित वैद्य नवीन जोशी सर ने बताया, पंडित जी ने बताया कि ऐसे चरक चिकित्सा स्थान में बताया है कि वचांस तथ्यानि कृतज्ञ भावो निद्रा गुरुणाम गुरु घर्षणम च पाप क्रिया पूर्वकृतम च कर्म हेतु क्लेश से विरोधी चांडम। मतलब क्या है कि झूठ बोलना, हर बात में झूठ बोलना, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अंतरात्मा को पता होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो यह सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन जानबूझ के अपने बचाव के लिए झूठ बोलना यह एक कारण होता है। क्योंकि हम जितना झूठ बोलते हैं हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स तैयार होते हैं जो हमारे शरीर में विकृति उत्पन्न करते हैं। सामने वाले को हम कितना भी बेवकूफ बना ले, लेकिन खुद को हम झूठ बोल के बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो ज्यादा झूठ बोलना, फिर कृतज्ञ भाव रखना, मतलब कोई हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है और उसके बारे में हम गलत सोच रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं और अपकार कर रहे हैं, मतलब उसका बुरा कर रहे हैं, और हम कृतज्ञ भाव नहीं रख रहे हैं। फिर उसके बाद में किसी का चुगली कर रहे हैं, दिन भर बुराई करते रह रहे हैं, ये जितने भी मानसिक ये दुष्टि होती है उसकी वजह से शरीर का जो रक्त है और पित्त है वो खराब हो जाता है, और जितना ये खराब होगा उतनी व्याधियां होंगी, मानसिक व्याधियां भी होती हैं और शरीर में भी वो बहुत सारी प्रॉब्लम करता है। फिर गुरु नाम गुरु दर्शनम घर्षणम च, मतलब जो गुरु है हमारे जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत काल में जो कर्ण थे उन्होंने गुरु विश्वामित्र से झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण हूँ, और उन्होंने सारी विद्या ले ली और गुरु जी ने उनको श्राप दिया कि तुमने मेरे से झूठ बोल के तो ले लिया, जितना ज्ञान लेना था ले लिया, लेकिन जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ये ज्ञान को तुम भूल जाओगे। तो जब अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे महाभारत के युद्ध में कर्ण, तो वो अपनी सारी विद्या भूल गए थे क्योंकि गुरु का श्राप लग गया था और वो पूरा एकदम नील हो गए थे, उनका पूरा मेमोरी लॉस हो गया था। तो इसलिए गुरु जो है, आप लोगों ने और एक रामायण में भी रामचरितमानस में भी एक देखा होगा कि जो ये है तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसमें काक भुशंडी की कथा बताई है कि वो पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और वह अपने गुरु को बहुत मानते थे। तो जो गुरु जी जो थे ना वो बोलते थे कि आप विष्णु भगवान की पूजा करिए, राम जी की पूजा करिए, और ये बोलते थे कि नहीं मैं शिव जी की पूजा करूंगा, मैं शिव भक्त हूँ, मेरे को शिव जी के अलावा कोई देवता नहीं दिखता। तो गुरु जी बोलते रह गए कि नहीं, शिव जी और ये जो है ये एक दूसरे के आराध्य हैं, आपको राम जी की भी पूजा करनी चाहिए, राम भक्ति में आओ। तो जो काकभूषणी जो थे वह क्या किए, एक बार शिव मंदिर पे थे तो गुरु जी आए और उनको बोले कि आप चलो और राम जी की पूजा करने चलो, मेरी आज्ञा से चलो। तो ये जो काकभूषणी थे इनको ये गए वहां पे और मंदिर में गए और वहां पे अपने गुरु को भी रेस्पेक्ट नहीं दिया और भगवान विष्णु को भी राम जी को भी इतना गुस्से से देखते रहे, तो इसके वजह से इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मतलब गुरु को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरु जी दयालु थे वो कुछ नहीं बोले। लेकिन उसी टाइम पे शिव जी जो थे शिवलिंग से प्रकट हो गए और उन्होंने श्राप दिया और उन्होंने एक वाक्य बोला कि जे जे शट गुरु संग ईर्ष्या कर रही, ऐसे कुछ तो चौपाई है, उसका मैं मीनिंग बताता हूँ कि जो जो मूर्ख इंसान गुरु से ईर्ष्या करता है, गुरु से द्वेष करता है, वह मुझे मैं मतलब मैं परमात्मा हूँ वो मैं कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और उन्होंने श्राप दिया और श्राप देने के बाद वो कौवा बना दिया और वो काकभुशंडी जी हुए। फिर काकभुशंडी जी को सब ज्ञान हुआ, फिर वो उन्होंने क्षमा मांगी शिव जी से, गुरु जी से क्षमा मांगी। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें राम जी जो है उनकी भक्ति हो, तुम्हें लाभ हो और राम जी तुम्हारा उद्धार करेंगे, जब राम जी आएंगे तब तुम तब तक इंतजार करते रहो। फिर वही राम जी जब आए तो फिर काकभूषणी जी को उन्होंने मतलब मुक्त किया, उनके श्राप से मुक्त किया, फिर वो राम भक्त हो गए और उसके बाद में रावण के युद्ध में
वानर सेना के मेन सेनापति काकभूषणी जी बने। ये बहुत बड़ी कहानी है। मैं शॉर्ट में मतलब मेरा सारांश यही है कि गुरु ने एक शब्द भी दिया है तो गुरु के प्रति कभी भी द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो गुरु है। गुरु का हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा मतलब महत्व बताया है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। जितना हम करते हैं उसका हमें इस जन्म में या अगले जन्म में उसका फल भोगना पड़ता है, तो इसीलिए गुरु का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो गुरु की अगर किया तो चरकाचार्य इतने महान जो ऋषि मुनि है, जो त्रिकालदर्शी है, उन्होंने बोला है कि श्वित्र रोग होता है, और बोला है कि पाप कर्म मतलब किसी पराई स्त्री जो है उसके बारे में रेस्पेक्ट रखना चाहिए। मतलब विवाहिता जो स्त्री होती है, पर स्त्री, उसके लिए माता का भाव रखिए, बहन का भाव रखिए, उसको गलत नजरों से ना देखिए। उसको गलत नजरों से देखना मतलब पाप क्रिया होता है ऐसे। या किसी का धन लूटना, किसी का पैसा लूटना, किसी के बारे में गलत सोचना, मन वचन कर्म से किसी के बारे में गलत सोचना, ये सब पाप क्रिया है। इसका फल हमें भोगना पड़ता है, और श्वित रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, और यह आदिदैविक होता है। मतलब ये आप लोग माने या ना माने, लेकिन ये हम लोग प्रैक्टिशनर है, हम लोग देखते हैं कि हम जब चिकित्सा करते हैं तो किसी का कैंसर हो जाता है जो बच ही नहीं पाता, और आज तक ये नहीं पता चल पाया कि कैंसर होता क्यों है। मतलब वो लोग एज्यूम करते हैं कि टोबैको खाने से होता है, ये खाने से, वो खाने से होता है, रेडिएशन से होता है, केमिकल से होता है, वो सब ठीक है, लेकिन सबको क्यों नहीं होता? वो एरिया में तो रेडिएशन सबको हो रहा है, टोबैको खाने वाले इतने साल तक जीते हैं, लेकिन सबको कुष्ठ रोग नहीं होता, सबको एड्स नहीं होता। सबको एड्स का तो पता है, वो तो हमें कारण पता है, लेकिन कैंसर का नहीं पता है। वो लोग आयुर्वेद में बोलते हैं कि अरिष्ट सूचक लक्षण उत्पन्न हो गए और कैंसर हो गया। तो ये जो असाध्य व्याधियां होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है और कष्ट भोगना पड़ता है कैंसर में, यह क्यों होता है? तो ये सारे पाप कर्म ही रहते हैं, पाप कर्म का ही फल हमें भोगना पड़ता है। और सुश्रुत संहिता में बोला है कि आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, ये जो कष्ट होते हैं ये भोगना पड़ता है। इसीलिए ना हमें आचार रसायन बताया है चरक संहिता में, जितना हम मन से अच्छे रहेंगे, सत्य बोलेंगे और किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, उतना हमारा ये जीवन अच्छा होगा और परलोक में भी हमको अच्छा सदगति मिलेगा। तो ये सारे जो हैं, और विरोधी अन्नपान, विरोधी अन्नपान जैसे है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास श्वित्र के जितने भी पेशेंट आते हैं ना, तो मैं उनका हेतु निकालता हूँ। तो हेतु निकालने में मुझे ऐसा पता चलता है कि वो दूध और मछली एक साथ खा रहे हैं, विरुद्ध अन्न। मतलब एक का वीर्य अलग है, एक जो दूध है वह शीत वीर्यात्मक है, मधुर मधुर शीत है, मतलब मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक है। और वो मछली खा रहे हैं तो वो मधुर मधुर उष्ण है, मतलब मधुर रस, मधुर विपाक और उष्ण वीर्यात्मक है। तो जब ये वीर्य का विरुद्ध वो सेवन बहुत दिन से कर रहे हैं, नॉनवेज और दूध, या दूध और अल्कोहल, दूध या नमक, ये सब चीज विरुद्ध खाते हैं, तो शरीर में जाके वो टॉक्सिन पैदा करता है, एक मतलब जहर पैदा करता है, वो ब्लड में आने के बाद सारे स्किन डिसऑर्डर्स करता है। तो यह विरोधी अन्नपान है, यह भी एक हेतु बताए चरक संहिता में। अब संप्राप्ति में ऐसा बताया है कि जब भी ये सब मिथ्या आहार विहार किया जाता है या आदिदैविक कर्म ऐसे गलत होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में कुछ विकृति तैयार हो जाती है जो भ्राजक पित्त को दुष्ट करती है, और त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, इसको दुष्ट करती है, तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं, और फिर ये श्वित्र या किलास रोग हो जाता है। अब इसके टाइप जो है वो माधव निदान में वातज, पित्तज, कफज, इसके हिसाब से बताए। तो श्वित्र, किलास या वारुण जो होते हैं, ये पर्याय शब्द होते हैं, और इसमें श्वित्र के दो टाइप बताए हैं। तो एक है व्रणज और है दूसरा है दोषज। व्रणज मतलब कोई व्रण, कोई जो जख्म होता है, वुंड होता है, वह ना रूढ़ हो गया, मतलब वो बहुत ज्यादा फैल गया, और उसके बाद में हमने ट्रीटमेंट वगैरह दिया, वो ठीक हो गया। उसके बाद में जो वो रिमेनिंग पार्ट रहता है, उसके वजह से ये जब ल्यूकोडर्मा हो गया, श्वित्र हो गया, तो वह व्रणज होता है। और दूसरा टाइप है कि दोषज, जब तीनों दोष प्रकोपित होने के बाद, त्वचा, रक्त, मांस, लसिका में जाने के बाद क्या होता है कि रक्त दुष्टि ज्यादा हो जाती है और पित्त का भ्राजक पित्त खराब हो जाता है, उसके वजह से कलर जो है स्किन अपना छोड़ देता है और वहां पे श्वित्र रोग हो जाते हैं। तो ये दो टाइप हो गए, व्रणज और दोषज। ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि दग्ध व्रण होता है, कभी कभी कहीं कोई भाग जल गया, और जलने के बाद ना वहां पे हमने ट्रीटमेंट वगैरह दिया तो वहां पे कुछ ना व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, वह भी श्वित्र होता है। कभी कभी पेट में कीड़े होते हैं, जंतु होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते कहीं चोट लग गई, ऐसा नॉर्मल भी लग गए उसको, तो वो जो एरिया है वहां पर भी आघात जन्य श्वित्र हो जाता है, और उसमें भी कृमि का जरूर उसमें रोल रहता है। तो हम जो चिकित्सा देते हैं, मैं अभी चिकित्सा पे आऊंगा,
जब चिकित्सा करते हैं तो कृमिग्न चिकित्सा देते हैं उसमें, वैसे कंडीशन में। और व्रण शूत्र है तो चोट लगने से या बर्न होने से किसी ना किसी तरह से व्रण हो गया और उसका मैनिफेस्टेशन जब रह जाता है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन रह जाता है तो शूत्र हो जाता है। अभी इसमें वातज पित्तज कफज, मानव निदान जो बुक है, निदान की सबसे अच्छी बुक है आयुर्वेद की, उसमें ऐसा बताया है कि वातारुणा वृक्षारुण पिता भावम कमल पत्रवत सदाहम रोम विध्वंसी कपा श्वेतम घनम गुरु सकंडुरम क्रमाद रक्तम मांस मेध सु चादिशेत वर्णने दुगु भवम भयम कृच्छम तच्चोत्तोत्तरम। इसका मतलब यह है कि वातज जो श्वित्र होगा वो अरुण वर्ण का होगा, मतलब थोड़ा सा ना वो उसमें पांडुता आएगी, अरुण वर्ण का मतलब है कि थोड़ा रेडिश टाइप का आएगा और खरखरित लगेगा वहां की त्वचा, और उसमें ना जितने भी रोम कूप है वह सब नष्ट हो जाएंगे और ड्राइनेस बहुत ज्यादा आता है। तो ये श्वित्र हो गया, ये वातज हो गया। पित्तज जो होगा वो कमल का जो पंखुड़ी होता है उस तरह का रहता है और थोड़ा सा ना कॉपर की कलर की तरह, मतलब ताम्र वर्णी होता है उस तरह का रहेगा और दाह युक्त रहेगा, उसमें बर्निंग सेंसेशन रहेगा। और तीसरा जो रहता है कफज, वह एकदम सफेद रंग का होता है, स्निग्ध स्पर्शी होता है, हम छुएंगे तो वहां स्निग्धता ऐसा लगेगा कि कुछ तो स्निग्ध, कुछ तो लपेटा हुआ है उस तरह का लगेगा और शरीर में बहुत जगह व्याप्त होगा। तो यह जो रहता है ये कफज क्षेत्र रहता है। वातज पित्तज कफज ये तीन टाइप होते हैं। साध्य साध्यत्व अगर देखेंगे तो जो नया उत्पन्न हुआ है और जो छोटा सा है, और मैंने जो सात लेयर बताया अवभासनी लोहिता ताम्रा, तो इसमें ऊपर के जो लेयर तक रहेगा तो फिर वह ना साध्य होता है। जो एकदम डीपली नीचे चला गया है सात लेयर तक, मांसधारा कला तक अगर चला गया है तो वह चिकित्सा करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में जो पुराना हो गया है, और दूसरा प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ कि जो एक पैच आया है और ऐसे दो पैच आए हैं और वह पैच ना बढ़ते 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 और फिर वह जुड़ जाते हैं तो वह सारे असाध्य, कृच्छ साध्य असाध्य की अवस्था में जाते हैं, या पूरा शरीर में फैल गया है छिद्र, वह भी बहुत ज्यादा असाध्य होते हैं। उनकी चिकित्सा हो सकती है तो उनको पेशेंट को ना बहुत ध्यान देके करेंगे तो वह ठीक हो सकता है, लेकिन पेशेंट को परहेज पालना भी जरूरी है और उतना पेशेंस रखना जरूरी है कि जब तक पूरा कलर नहीं आ जाता तब तक हमें कुछ भी उल्टा पुल्टा खाना नहीं है, हमें दवाई खाते रहना है, तब यह बहुत सारे साध्य हो सकते हैं। दूसरा है कि जो जिसमें दग्ध व्रण नहीं हुआ है, मतलब बर्न बर्न ये जो व्रण नहीं हुआ है, मतलब जलने से व्रण नहीं है, वह भी साध्य होता है। अगर जल गया पूरा तो उसको ठीक करना, मतलब वो डैमेज हो गया होता है, डैमेज होने के बाद वहां पे ब्लड वेसल्स का सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है तो उसको चिकित्सा करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है कि जो एक दूसरे से दाग नहीं मिले वह भी साध्य होते हैं, जिसमें केस जो रहते हैं बालों का कलर अगर चेंज नहीं हुआ है वह इजिली ठीक होने वाले होते हैं। और जो गुह्य स्थान में होते हैं, मतलब प्राइवेट पार्ट में होते हैं, और हाथ में और होंठ में पैरों में होते रहते हैं, और जो नया रहते हैं वह सब ठीक हो जाते हैं, मतलब होंठ वाले भी जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन चिकित्सा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी चिकित्सा दे दिया, कायाकल्पवाद दे रहे हैं, बाकुची चूर्ण दे रहे हैं, अगर हमने ऐसे केवल फॉर्मूला बेस से किया कभी नहीं फायदा होता है। आप लोग क्षेत्र के पेशेंट देखते होंगे, पेशेंट को नहीं फायदा होता है। और एलोपैथी में क्या करते हैं कि लेजर थेरेपी से जला देते हैं या फिर प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, मतलब जो थाइस के मसल्स होते हैं, थाइस का स्किन होता है वहां से वो कट करते हैं और वो पीस यहाँ पे लगा के और ये प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि दो तीन साल तक तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर से अगर संप्राप्ति वैसे ही घटित हो रही है, पैथोलॉजी हो रही है, तो वो फिर से वहां भी आ जाते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी कितना दिन तक करेंगे हम लोग। दूसरा बात है कि अगर मेड्र में हो गया, मतलब पेनिस में हो गया, योनि भाग में हो गया, और ये गुहे भाग में हो गया, होंठ में हो गया, तो ये ना तुरंत ठीक होते हुए देखे जाते हैं। प्राइवेट पार्ट में होते हुए तो ठीक होते हुए मैंने भी देखा है। अब चिकित्सा क्या, चिकित्सा भाग पे आते हैं तो चिकित्सा के लिए हमें पहले तो बेसिक ये देखना है कि पेशेंट के शरीर का कलर जो है वह कम हो गया है। एलोपैथी में उसको बोलते हैं कि मेलानिन की कमी हो जाती है। मेलानिन एक प्रोटीन होता है जिसकी कमी की वजह से ल्यूकोडर्मा हो जाते हैं और स्किन पे इन्फेक्शन हुआ रहता है। तो एलोपैथी साइंस ऐसा बोलता है कि वहां छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, उनका इन्फेक्शन से स्किन में ये ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब इसको एंटी विटिलिगो कुछ क्रीम देते हैं। वो क्रीम देने से क्या होता है कि वो काला होता है वो एरिया, और उसके बाद में वो स्किन नॉर्मल कलर आ जाता है, और कुछ कुछ मेडिसिन देते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं ठीक होता। एक जगह से ठीक होगा तो दूसरी जगह आएगा, दूसरी जगह ठीक होगा तो तीसरी जगह आएगा। और मॉडर्न पार्ट जो है, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे, वो अपना साइंस जो है वो उनका परफेक्ट है, हम आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे।
तो आयुर्वेद में क्या होता है कि त्वक दुष्टि जो रहती है, त्वचा की दुष्टि प्रमुख रूप से रहती है, और प्राकृत वर्ण जो होता है वो नष्ट हुआ रहते हैं, और इसकी वजह से श्वेत वर्णता मतलब सफेदी स्किन में सफेद हो गया होता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि कुछ ना त्वचीय दवाइयां देनी है और कुछ ना कुष्ठ की चिकित्सा करनी है। तो जो त्वचीय है मतलब जो कलर लाता है, उसके लिए क्या करना है कि बाकुची का बीज आता है वो लेके आइए, और या उसका पाउडर लेके आइए और उसको पानी में घोल के वहां पे लगाइए, और वो लगाने के बाद धूप में थोड़ा देर बैठिए, तो 5 से 10 सेकंड तक बैठना है। तो सूर्योदय का जो धूप है वो लगने से क्या होगा कि वो ना लगाने से और उसके बाद में निकाल देना है, तो उससे क्या होगा कि वह त्वचा जो है वो काली पड़ जाएगी, और काली पड़ने के बाद में वो क्या होगा कि जो नया स्किन आएगा वह फिर काला होके नॉर्मल कलर आके वो ठीक हो सकता है। या फिर बाकुची सिद्ध तेल आता है, तो वो बहुत ना ऐसे हाथ में लगाए तो जलन होता है। बाकुची तेल को आप कॉटन के स्वैब में ऐसे डिप करके और वहां पे लगा दीजिए और फिर धूप में बैठिए, इससे भी होता है। लेकिन इसके साथ में और क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। अभी क्या है कि हमें ना उष्ण और तीक्ष्ण विधात्मक दवाइयों का लेप करना है वहां पे। तो क्या करना है कि जो सहजन होता है, ड्रमस्टिक जो सब्जी हम लोग खाते हैं सांबर में, उसकी ना जो त्वचा होती है मतलब स्किन होता है या छाल होती है वह लेना है हमें पेड़ का, और उसको ना पानी में ऐसे घिस के और वहां लगाने से भी क्षुद्र ठीक होता है। उसके बाद में वहां पे प्रच्छान्न कर्म करना चाहिए, मतलब क्या करना है कि ब्लेड लेना है या प्रच्छान्न का एक ये यंत्र लेना है, शस्त्र लेना है, और ना ऐसे ना कट करना है। कट करने से क्या होगा कि वहां पे ना ब्लड आने लगेगा और फिर क्या होगा थोड़ा सा जख्म होने लगेगा, उससे ऊपर की लेयर जो वो निकल जाएगी और फिर जो नया लेयर नीचे से रीजनरेट हो जाएगा उससे ना वो कलर ठीक हो जाता है। दूसरा है कि दूषित रक्त की संप्राप्ति वहां पे हुई है, तो दूषित रक्त को निकालने के लिए जोंक होता है, जलौका जो होती है लीचेस, वो वहां पे लगा देते हैं, तो उससे जोंक जो है वो गंदा खून पी लेगा तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है और कलर अच्छा आ जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जब जलौका लगा देते हैं तो त्वचा जो होती है वो गंदा खून निकालने के कारण काली पड़ जाती है, काला पड़ने के बाद फिर नॉर्मल कलर आ जाता है, और जो जलौका जो होती है ना वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया का खून पी लेती है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना खींच लेती है, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरा है कि ये जो अभ्यंतर औषधि है उसमें हमें शुक्रवर्धक मतलब जो स्किन के सेल्स को नया बनाते हैं, तो हमें वो शुक्रवर्धक दवाइयां देनी है, तो बंग भस्म, त्रिभंग भस्म, नाग भस्म, ऐसे ओजोवर्धक दवाइयां देनी है, और जो त्वचा के लिए दवाइयां हैं तो महामंजिष्ठादि काढ़ा, खदीरा रिष्ट, आरोग्य वर्धनी, बाकुची चूर्ण, फिर अवलगुज आदि, काकोदम्बर करके एक वनस्पति आती है उसका काढ़ा पीने को बोला है, अवलगुज ऐसे वनस्पति है उसका पीने को कहा है, और कृमिघ्न दवाइयां जो है मतलब अगर पेट में ये है कीड़े हैं, या पेट में कीड़े हों या ना हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ वर्म्स हमें जो डिटेक्ट नहीं हो रहे उसके साथ में हमें पलाश बीज देना है, कपिला देना है, करंज देना है, करंज का चूर्ण देना है, विडंगा रिस देना है, और कृमि विघातनी वटी देना है, कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, और कृमिघ्नगण का काढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि जो हमें डिटेक्ट नहीं होते हैं कृमि वह भी मर जाते हैं, और यहाँ स्किन में भी जो कृमि होते हैं छोटे छोटे वह भी मर जाते हैं, तो इसलिए कृमिघ्न चीज देना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि ऐसा हमारे गुरु जी बताते हैं कि यहाँ मेद मेद धातु की दुष्टि ज्यादा हुई रहती है, मतलब रक्त धातु तो है लेकिन मेद की ज्यादा दुष्टि होती है, तो जो मैंने पाचक बताया था मेदोपाचक का अगर काढ़ा देंगे तो यह श्वित्र जल्दी ठीक होने में सहायता होती है। दूसरा है कि लवण लवण रस का सेवन कम करना चाहिए, अभिषंधी पदार्थ का सेवन कम करना चाहिए, विदाही अन्नपान मतलब जो खाने के बाद जलन होती है, जैसे एक ही तेल में बना हुआ पकौड़े है या समोसे हैं, और या जला हुआ तेल में बनाया हुआ कोई भी पदार्थ है वह खाना, या पानीपुरी में बहुत ज्यादा तीखा गरम मसाला डाल के खाना, वह जब बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाया जाता है तो वह सब एकदम वर्ज करना चाहिए, क्योंकि वह सारे क्या होते हैं पित्त बढ़ाते हैं, पित्त बढ़ेगा तो फिर से प्रॉब्लम होगा। फिर ना विटामिन सी वाले जो भी फ्रूट्स हैं जैसे सिट्रस फ्रूट मतलब ये हो गया लेमन हो गया, नींबू बंद करना है, संतरा मौसमी ये एकदम बंद करना है, और मौसमी फिर जो गवावा होता है मतलब ये अमरूद होता है वो एकदम बंद करना है। और श्वित्र के लिए चिकित्सा जो है यह क्या होता है कि अगर हमने कंटिन्यू देते रहे तो पूरा ठीक हो जाता है, और इसके लिए चित्रक आदि लेप आते हैं, चित्रक वनस्पति का लेप लगाने से भी बहुत फायदा होता है, और फिर श्वित्र जब ठीक हो जाता है तो कभी कभी हमें इसको 6 महीने से 1.5 साल तक दवाई देनी पड़ती है, यह सब ठीक हो जाता है। यह सारे ग्रंथ में बताए, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल में जो है ना कि वर्णगण जो बताया है चरक सूत्र स्थान में, तो उसमें क्या है कि चंदन, पद्मक, उशीर, मुस्ता, दारुहरिद्रा, हरिद्रा, फिर सारिवान, अंतमंजिष्ठा, ऐसे बहुत सारी जो वर्ण दवाइयां हैं उनका काढ़ा बनाइए और काढ़े को आप बस्ती में दीजिए, मतलब या तो सिद्ध तेल करके अनुवासन बस्ती दीजिए या फिर मात्रा बस्ती में काढ़े को, मतलब बस्ती जो रहता है ना जैसे मुंह से ले रहे हैं वैसे वो नीचे से आप दीजिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने का वो रास्ता है, वहां से देने से क्या होता है कि कलर चेंज होने लगता है। मेरे प्रैक्टिस में जब मैं ऐसे वर्णगण का काढ़ा देता हूँ तो क्या होता है कि पेशेंट का ना अपने आप कलर, जो ये पैचेस होते हैं वो पहले क्या होते हैं सर्कुलर होने लगते हैं, फिर वो सर्कुलर होके छोटे छोटे होते 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 पूरा वो निकल जाता है, और ये आप लोग करके देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा और क्या है कि उसमें मेदोपाचक जो दवाइयां हैं वह देना है, फिर उसके बाद में बाकुची चूर्ण देना है। बाकुची चूर्ण से क्या होता है कि एक एक चम्मच सुबह शाम देंगे तो बाकुची जो रहता है ना वो नेचुरल मेलानिन लाता है और श्वित्र की बहुत अच्छी दवाई है। यह है कि बाकुची अच्छा क्वालिटी का मिलना चाहिए आप लोगों को, बाकुची लेने से श्वित्र रोग ठीक हो जाता है। और है श्वित्रारी रस, जो जो फॉर्मुलेशन है ना वो मैं आप लोग को पहले बताता हूँ। एक ना शारागत करके दवाई है जो बागभट चिकित्सा में बताया है, बागभट चिकित्सा 14 में बताया है, इसमें है देवदार, निशोत्तर, दंती मूल, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, देवदार हो गया, निशोत्तर हो गया, दंती मूल हो गया, कुटकी, पंचकोल, सज्जी क्षार, यवक्षार, त्रिफला, पाठा, फिर काला जीरा, कुष्ठ चूर्ण और पंचलवण चूर्ण, यह सबको मिक्स करना है। और ये मिक्स करने के बाद क्या करना है कि मिट्टी के पात्र में भर के रख देना है और उसको ना पकाना है, तो मिट्टी का पात्र जो है वो लाल हो जाएगा, इतना पकाना है, ऐसे फ्लेम देना है, तो जब वो लाल हो जाएगा तो फिर ये निकाल देना है सारा पाउडर, और एक एक चम्मच सुबह शाम ये मतलब बॉटल में रख देना है और एक एक चम्मच सुबह शाम लेना है, दूध के साथ ले सकते हैं, घी के साथ ले सकते हैं, तक्र के साथ या मद के साथ सुबह शाम देना है। इससे क्या होगा कि जितना भी ये श्वित्र वगैरह है ना ये सब ठीक हो जाता है। इसका जो अधिकार है तो ये तो बहुत है, गुलमरोग, उदावर, अर्श, उदर कृमि, अपस्मा, ग्रहणी, ये बहुत जगह व्याप्त करते हैं, श्वित्र में तो बहुत अच्छा फायदा करते हैं। और मैं बताता हूँ आप लोग को, एक ना श्वित्रारी रस आता है, तो रस तरंगिणी सार नाम का एक बुक है उसमें श्वित्र के बारे में, और ये श्वित्रारी रस है ये मार्केट में मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा ये मार्केट में मिलता है। इसमें क्या क्या होता है, तो कज्जली होता है, पारा और गंधक का जो पाउडर होता है मिश्रण उससे कज्जली बनते हैं, तो कज्जली लेना है और काशी सम भाग में लेना है, और जो तुलसी होती है तुलसी का स्वरस निकालना है, उसकी तीन भावना देनी है, और उसके बाद में चांगेरी जो मिलता है, जो चांगोरी आप लोगों को पता होगा तीन पत्तों वाला इमली की तरह होता है, कहीं भी घास उग जाती है, तो चांगेरी का रस लेना है और उसको ना गोबर की अग्नि में डाल के और पुट देना है, उसको भस्म बनाना है, जिस तरह से हम ताम्र भस्म वगैरह का पुट देते हैं उस तरह से पुट देना है। पुट देने के बाद जब वो पाउडर निकलेगा तो वह श्वित्रारी रस होता है, यह मार्केट में मिलता है, तो इसको ना एक एक रत्ती देना है, मतलब एक एक चुटकी 125 mg सुबह शाम देना है, तो ये इससे ना पूरा ये लिकोडर्मा है ना ये ठीक हो जाता है। और मैं बताता हूँ कि इसमें श्वित्रारी के लिए हमारे गुरु जी ने क्या बताया, तो इसमें सबसे पहले श्वित्र के लिए कृमि, कृमि को ध्यान में रखे, कृमिघ्न दवाइयां देनी है, फिर कफ नाशक चिकित्सा करनी है, मतलब कफ दोष कम हो ऐसी चिकित्सा करनी है, और पित्त वर्धन, क्योंकि इसमें भ्राजक पित्त की दृष्टि है तो भ्राजक पित्त को हमें अच्छा करना है, तो वो ध्यान में रखिए, भ्राजक पित्त का मतलब पित्त वर्धक दवाइयां देनी है, जैसे तिल वगैरह खिलाना है, और वर्ण दवाइयां देनी है, और इसमें और क्या देना है, तो बाकुची का चूर्ण देना है, तो बाकुची जो रहता है ना वो कृमिघ्न भी है, कफ नाशक भी है और पित्त भी वर्धन करता है। मैं फिर से बोलता हूँ, बाकुची जो चूर्ण है वो कृमिघ्न भी है, मतलब कृमि का भी नाश करता है, कफ का भी शमन करता है और पित्त का भी वर्धन करता है, इसलिए बाकुची देना बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं आपके मेरे कोई रिलेटिव है, उन्होंने क्या किया कि उनको पूरे शरीर में ये हो गया था, श्वित्र हो गया था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जो है किसी ने बताया कि आप बाकुची खाइए, उन्होंने इतना बाकुची खाया, मतलब ज्यादा मात्रा में खाने लगे, डर गए थे कि लोग उनका बायकॉट कर रहे हैं, उन्होंने बाकुची खाना शुरू किया। बाकुची खाने से क्या हुआ, मतलब ये एक साइड इफेक्ट भी होता है आयुर्वेदिक दवाइयों का, वो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बाकुची खाना शुरू कर दिया और ज्यादा मात्रा में खाते रहे, तो खाते खाते उनका पूरा श्वित्र रोग पूरा ठीक हो गया, तो उनको मना किया गया कि अब बस अब आप मत खाइए, उनके डॉक्टर ने कहा मत खाइए, लेकिन वो बोले कि नहीं मुझे फिर से हो जाएगा,
तो वो मतलब अभी तक खा ही रहे, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है उनको ना, ऐसे तिल 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 पूरा बॉडी में आ रहे हैं, तो बाकुची का साइड इफेक्ट होता है। मतलब जब जरूरत नहीं है तब कोई भी दवाई नहीं खानी है, कंटिन्यू क्यों खाना है। और दूसरा है ना कि सुश्रुत संहिता में आप रसायन अध्याय देखेंगे, उसमें बाकुची रसायन बताया, तो बाकुची का रसायन विधि से सेवन करके एक एक टाइम तक आपको बाकुची खाना है, और उसके बाद में जब काम हो गया, आपका कलर अच्छा हो गया, तो उसके बाद बंद करने को भी बोला है, सुश्रुत संहिता में बताया ये सब। दूसरा है कि वर्णगण जो है यह चरक सूत्र स्थान में फोर्थ चैप्टर में वर्णगण बताया, इसमें क्या क्या दवाइयां हैं वो मैं श्लोक के हिसाब से बताता हूँ। तो चंदन है, नाग केशर है, पद्मक है, पद्मकाष्ठ या पद्मक मिलता है, या ना स्त्री रोगों में भी बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ने वाला दवाई है, पद्मक है। फिर उशीर है, यष्टि मधु है जिसको मुलेठी बोलते हैं, फिर मंजिष्ठा है, फिर सारिवा या अनंता है, फिर शीर काकोली ये भी मार्केट में मिलता है, फिर सफेद दुर्वा, दुर्वा जो हम धूप गणेश जी को चढ़ाते हैं, या सफेद दुर्वा और कृष्ण दुर्वा, काले रंग की दुर्वा या सफेद रंग की, तो यह वर्ण रहता है। और इसके साथ में वर्ण में हल्दी डाल सकते हैं, दारू हरिद्रा डाल सकते हैं, और मुस्ता डाल सकते हैं, यह सब कलर अच्छा करने वाली दवाइयां हैं। इसका काढ़ा बना के रोज सुबह शाम पियेंगे तो ये जो ल्यूकोडर्मा है वो ठीक हो जाता है, और जहां भी हाइपर पिगमेंटेशन है वो भी ठीक होता रहता है, तो यह देना बहुत जरूरी है। और यह जो है बाकुची, यह 90% पेशेंट को फायदा करता है। बस आप लोग को ये देखना है कि जो बाकुची आप लोग देंगे वह अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सड़ा हुआ पुराना है, सब किसी ट्रेडर ने दे दिया, पंसारी के दुकान में मिल गया, और 10-10 साल पुराना आप खा रहे हैं, तो उसे फायदा होने के बदले ना नुकसान हो गया। एक्सपायरी दवाइयां कभी में मत लीजिएगा। दूसरा है कि बाकुची जो होता है ना वो भ्राजक पित्त को अच्छा करता है, तो वो अच्छा करता है। दूसरा है कि हमारे सर जो है वो एक रसाब्र गुगुल करके एक दवाई आता है, फिर निम्बाती चूर्ण और शारागद, शारागद जो मैंने पहले बताया वह देते हैं, उससे ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। और रसाब्र गुगुल और ये निम्बाती चूर्ण ये मार्केट में मिलता है। मैं आप लोगों को ना मांस पाचक बता रहा हूँ, मेदो पाचक बता रहा हूँ, मेदो पाचक जब देते हैं ना, मांस पाचक मेदो पाचक जब देते हैं इसका कॉम्बिनेशन, तो स्किन का जो है कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मांस पाचक में क्या है, पटोल, नीम, त्रिफला, मुस्ता, इंद्र या मनुका, किशमिश। मैं फिर से बोलता हूँ, पटोल, नीम, त्रिफला, मुस्ता, मुस्ता वाला नागर मोता, फिर इंद्रयव और किशमिश जो रहता है वह, और मेदो पाचक जो रहता है, किरात तिक्त, फिर गुरुची, गुरु जिसको बोलते हैं, चंदन और शुंठी, इसका काढ़ा दीजिए। और क्या है कि मांस धातु तक गया है, मेदो धातु तक गया है, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए ना हमें मांस पाचक और मेदो पाचक देना चाहिए। उसके साथ में हमारे गुरु जी बोलते हैं कि रक्त प्रसादन करने वाली दवाइयां, जैसे ताप्यादि लौह दे दिया, स्वर्ण माक्षिक भस्म दे दिया, फिर चंद्रकला रस दे दिया, यह भी साथ में चलाया जाए, गंधक रसायन दे दिया, यह सब भी चलाया जाए साथ में, आरोग्य वर्धनी वटी दे दिया, तो इसके साथ भी शूत्र जल्दी ठीक होते हैं। फिर उसके बाद में है कि हमें शूत्र के पेशेंट को बहुत ज्यादा अगर बढ़ रहा है तो हमें पहले पाचन देना है, तो शुद्ध गुड़ भल्ला तक योग बताया है, चरक संहिता का रसायन अध्याय में देखेंगे तो गुड़ भल्ला तक एक रसायन बताया है, वह देने से फायदा होता है। फिर शारागत जो मैंने पहले बताया वह देना है। फिर उसके बाद में लिक्विड फॉर्म में और क्या दे सकते हैं, तो पुनर्नवारिष्ट मार्केट में मिलता है, वो वयस्थापन गण में आता है, पुनर्नवा, तो पुनर्नवारिष्ट, मधुकासव, विडंगारिष्ट, यह इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन लीजिए। और रसायन में शिवा गुटिका नाम का एक गोली आता है मार्केट में मिलता है, शिवा गुटिका देने से शूत्र रोग ठीक होते हैं। और रक्तवर्धन के लिए अष्ट दशांग लौह करके एक दवाई मिलता है। आप लोग की स्थिति में अगर कोई दवाई अवेलेबल नहीं है तो मुझे कॉल करिए, मैं यहाँ से भिजवा दूंगा। तो ये शूत्र रोग में अष्ट अष्ट दशांग लौह जो रहता है बहुत ज्यादा फायदा होता है। और सबसे अच्छा एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग को जल्दी पेशेंट को ठीक करना है, मतलब विद इन 7 डेज ही कलर अच्छा होने लगता है, और जो कलर होता है वो एकदम परमानेंट बहुत अच्छा होता है, तो लेप लगाने के लिए, सॉरी, लेप लगाने के लिए आप लोग को क्या करना है कि मल्ल सिंदूर लाना है, मल्ल सिंदूर और मंजिष्ठा, इसको सम्रमाण में पानी की तरह करना है और वहां पे लगा देना है। वहां लगाने से क्या होता है, शुत्र का कलर एकदम चेंज हो जाता है, बहुत फायदा करता है। लेकिन मल्ल सिंदूर का एक साइड इफेक्ट है कि मल्ल सिंदूर जो रहता है वो कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए। मल्ल सिंदूर अगर प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाए तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब बच्चे को, वो बच्चे का ग्रोथ को हैम्पर करता है और पॉइजनस इफेक्ट आते हैं। तो मल्ल सिंदूर जो है वह हम लोग ये श्वास कास और मूर्छा संन्यास की अवस्था में थोड़ा सा देते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग दवाई है,
मतलब उसका विश्वत परिणाम भी देखा गया है इस, तो वो भाग अलग है। हमें मल्ल सिंदूर लाना है, मार्केट में मिलता है, और मंजिष्ठा का लेप पतला लगाना है। इसमें ऐसा है कि उसको न लगा के घिसना नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अगर इरिटेशन हो गया, मल्ल सिंदूर बहुत ही मतलब उष्ण दवाइयां है, बहुत उष्ण दवाई है, तो अगर हमने ज्यादा किया तो उसमें ना जख्म हो जाएगा, और जख्म होकर फोड़ा हो जाएगा, और फिर दाग जो है ना, व्हाइट पैचेस, वो बढ़ जाता है वहां पे। इसलिए ना पतला सा लेप लगाना है, तो श्वित्र में बहुत ज्यादा फायदा होता है। और श्वित्र के लिए तो देव व्यपाश्रय चिकित्सा में कुछ बताता हूँ, ये सारी युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा होगी। देव व्यपाश्रय चिकित्सा के लिए ऐसा बताया है, आर्य वैद्य कला निधि नाम का जो बुक है उसमें बताया है कि जो भी व्याधियां होती हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म का ही फल होता है। एक मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, फिर मैं योग बताता हूँ देव व्यपाश्रय चिकित्सा। एक बार क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भीष्म पितामह जी थे, उनको ना बाण मारा, मतलब शिखंडी को आगे करके, क्योंकि वो औरतों पे या नपुंसक पे बाण नहीं मार सकते थे, और उनको अमरता का वरदान प्राप्त था, मतलब उनके पिता और माता ने ऐसा अमरता का वरदान दिया था भीष्म पितामह को। ब्रह्मचारी थे तो वह बहुत ही स्ट्रांग थे, तो उनको क्या हुआ कि वो स्त्री पे अस्त्र नहीं उठा सकते थे, तो जो शिखंडी को अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने आगे कर दिया, तो फिर वो उन्होंने अपना जो धनुष बाण था वो रख दिया, और तब अर्जुन ने उनको मारा, और इतना मारा मतलब इतने बाण मारे कि वह शैया बन गया और वह उस पर लेटे रहे। अब किसी को भी, ब्रह्मचारी हो या देव पुरुष हो, शरीर तो मनुष्य का ही है, तो उनको इतनी पीड़ा हो रही थी, दर्द से तड़प रहे थे। तो एक बार कृष्ण भगवान शाम के टाइम युद्ध के बाद उनसे मिलने गए, तो भीष्म पितामह जो थे वो योगी पुरुष थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मुझे इतना कष्ट क्यों है, ये मनुष्य जीवन में मुझे इस तरह का मृत्यु क्यों है। और मृत्यु का ऐसा था कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उस टाइम पे ये चल रहा था, उत्तरायण चल रहा था, मतलब ये अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा था जब उनको बाण लगा था। और उन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि युद्ध होने के बाद सब देख लेंगे कि सब सेटल हो गया, उसके बाद में वो दक्षिणायन उस समय मतलब मकर संक्रांति के बाद वो शरीर को छोड़ेंगे, प्राण त्याग करेंगे। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मुझे इतना कष्ट क्यों है, मैंने तो इस जन्म में सब अच्छे कर्म किए हैं, और मैंने अपने जो 63 जन्म सब मैंने याद किया, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी ऐसा कर्म नहीं लगा कि मैंने कोई गलत काम किया है, तो मुझे इतना कष्ट क्यों है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि आप ना और जन्म याद करिए, तो मैं कल आता हूँ। तो उन्होंने याद करना शुरू किया कि 63 जन्म में उन्होंने कोई किसी का बुरा किया था कि नहीं किया था, योगी पुरुष थे, उनकी आत्मा को हर चीज याद आ गया था, मतलब साधना के वजह से, ब्रह्मचारी भी थे। तो फिर ना वो दूसरे दिन जब श्री कृष्ण भगवान जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने फिर बहुत बार सोचा, बहुत बार एनालिसिस किया, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि मैंने कोई गलत काम किया है, तो मुझे इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि आप एक जन्म पहले और जाइए, और 64 जन्म को याद करिए, जब आप जो ये रहती है चमेलियन, गिरगिट होता है, आप बच्चे बालक थे और आपने चमेलियन को क्या किया, गिरगिट जो होता है जो रंग बदलता है उसको पकड़ के, और खेल खेल में आपने बहुत सारे कांटे लाए और उसको चुभाए थे आपने, तो जो उसको कष्ट हुआ वो भी कष्ट से तड़प तड़प के मर गया था, वही भोग आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो उन्होंने फिर क्षमा मांगा, तो उनको पता चल गया, तो इस जन्म में हम लोग को अच्छा चीज मिलता है, अच्छा सुख मिलता है, दुख मिलता है, तो यह कभी कभी कर्म विपाक रहता है हमारे लाइफ में, कभी कभी हमारे नसीब में वो चीज होता है जो हम गलत भी नहीं करते तब भी हमें कुछ भोगना पड़ता है। तो ऐसे ही शरीर में यह श्वित्र रोग क्यों होता है, इसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो मुझे बताने का यह मतलब है कि हम हिंदू धर्म में, सनातन लोग में यह मानते हैं पूर्व जन्म का कर्म होता है, अच्छे कर्म करो, किसी की बुरा मत करो, क्योंकि अच्छे कर्म का भी फल भोगना पड़ता है, बुरे कर्म का भी फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए देव व्यपाश्रय चिकित्सा का बहुत महत्व है। चरक संहिता में बताया है कि देव व्यपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, यह जो तीन तीन बताए हैं त्रैसरणीय अध्याय में, चरक सूत्र स्थान में बताए। तो देव व्यपाश्रय चिकित्सा के बारे में, सत्वावजय चिकित्सा होता है जो मन पे काम किया जाता है, मन को स्ट्रांग बना के और फिर चिकित्सा किया जाता है। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा जो शमन चिकित्सा किया जाता है, पंचकर्म हो गया, शमन, शोधन, ये सब होता है। और देव व्यपाश्रय चिकित्सा में बहुत सारे जो देवता है, मतलब हम लोग में ऋग्वेद वगैरह मानते हैं, तो ऋग्वेद में बहुत सारी दैविक शक्तियां हैं, उनकी आराधना करने को बोला है। उसी तरह से जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता जो है वो शरीर में क्या लाते हैं, रोशनी लेके आते हैं, और वही शरीर को पित्त, शरीर में पित्त का संचार करते हैं, गर्मी लेके आते हैं,
और सूर्य जब आते हैं तो नए नए फसल, नए पौधे, नए अंकुर, ये सब आते हैं। तो इसलिए सूर्य की आराधना करने के लिए बताया है। तो ऐसा बोला है कि हर रविवार को उपवास रखना चाहिए, जिनको कुष्ठ रोग हो गया है, श्वेत रोग हो गया है, सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसमें लाल फूल चढ़ाना चाहिए और सूर्य भगवान का हवन करना चाहिए और सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य देना चाहिए। मतलब आप पानी लेके आइए और सूर्य उगते हुए सूर्य को आप ऐसे अर्घ्य दीजिए, मतलब अपना ये जल चढ़ाइए, लोटा से ऐसे जल चढ़ाइए और ये श्लोक बोलिए, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत पते। मतलब हे सूर्य देवता, आपके बहुत सारे हजारों अंश जो सूर्य किरणें हैं वह पूरे संसार को तृप्त कर रही हैं। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत पते अनुकंपे मैं भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवाकरम। कृपया हम पे अनुकंपा रखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारा अर्घ्य को स्वीकार करिए। इसी परंपरा को निभाते हुए आप देखेंगे कि कोणार्क में सूर्य मंदिर है, तो वहां पर इस तरह की रचना की गई है कि सूर्य की मतलब वहां किरणें एकदम स्ट्रेट पहुंचती है और वहां पर आप पूजा करिए सूर्य मंदिर में। दूसरा है कि जो छठ व्रत आता है, बिहार और यूपी सब जगह मनाया जाता है, तो वह भी उसमें 4 दिन तक उपवास किया जाता है, तो वह भी क्षुद्र रोग कुष्ठ रोग को वह अगर व्रत करेंगे पूरा विधि विधान से, मतलब पूरी पवित्रता से करेंगे, तो क्षुद्र रोग और कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। तो उसका महत्व है, ऐसे नहीं है कि कोई फेस्टिवल की तरह मनाना है। जो दिवाली के 6 दिन बाद आता है, छठी मैया का पूजा, छठ पूजा, सूर्य की मतलब सूर्य डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है और उगते हुए सूर्य का जो अर्घ्य दिया जाता है, या देव वैपाश्य चिकित्सा जब किया जाता है तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ऐसा बताया गया है महाभारत के काल में, मतलब महाभारत में ऐसा बताया गया है कि जो ये जो थी जो कुंती थी, जो पांडवों की माँ थी कुंती थी, उन्होंने सूर्य भगवान के लिए छठ व्रत किया था, छठ व्रत किया था तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा कि आ, 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 मुझे आप जैसा शक्ति चाहिए, तो सूर्य भगवान ने उनको एक पुत्र दिया, वो कर्ण हुए। तो मतलब उनको वो बोले, मुझे मेरी तो शादी नहीं हुई है, मैं तो कुंवारी हूँ। वो बोले नहीं, मैं ये आशीर्वाद देता हूँ। तो वो कर्ण हुए, सूर्य पुत्र कर्ण, आप लोगों ने सुना होगा दानवीर कर्ण। मतलब ये बताने का है कि देव वैपश्य आपको संतान ऐसे सूर्य भगवान आके नहीं देंगे, ऐसा मतलब घबराइए मत, मतलब ऐसा नहीं होगा। मैं बस बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे किया था, ऐसा उल्लेख है। तो ये देव वैपाश्य चिकित्सा किया जाता है, या सूर्य के मंत्र जो है, आप लोगों को अगर चाहिए तो ऋग्वेद में सूर्य सूक्त है, बहुत सारी स्तुतियां हैं, वह अगर किया जाए तो ना स्किन के प्रॉब्लम बहुत ठीक होते हैं। मैं अपने पेशेंट लोगों को बोलता हूँ जो भी ल्यूकोडर्मा वगैरह के आते हैं, तो वो लोग सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, हर संडे को उपवास रखते हैं, या अगर उपवास नहीं कर सकते तो नमक छोड़ देते हैं। नमक जितना छोड़ेंगे, बिना नमक के रहना है संडे को, उससे ना बहुत ज्यादा क्षुद्र में फायदा होता है, कुष्ठ रोग में बहुत फायदा होता है। और जो लोग नमक नहीं छोड़ पा रहे हैं तो वो लोग को क्या करना है कि हरितकी नाम का जो चूर्ण है, हरितकी जो त्रिफला में आता है हिरडा, उसको वो पंचरसात्मक होता है लवण रस छोड़ के, उसमें उनको क्षुद्र ठीक करने के लिए रात को हरितकी दीजिए, तो वो बैलेंस कर देगा, 6 रस का काम हो जाएगा। क्षुद्र पेशेंट में इचिंग हो तो क्या करना चाहिए? जी उषा जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इचिंग अगर हो रहा है तो उनको ना सरसों का तेल लगाना है, और कंडुग्नगण बताया आपने, इसमें कंडुग्नगण जो है जिसमें नीम है, फिर कुटज है, खदीर है, ऐसे जो है उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। सुधा जी, ये जो आपने शब्द बोला है ना, इसका आयुर्वेद का, आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी में बताइए कि ये क्या होता है। मुझे आता है लेकिन मुझे आयुर्वेद में बताइए। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं कि आपने सर का प्रयोग बताया था, उसमें 5 ग्राम गंधक से शुरू करके अग्नि निशान बढ़ाना है, ये कितने दिन करना है? तो हमारे सर जो थे, उन्होंने सर जो हैं गुरु जी हैं, उन्होंने 6 महीने खाया था ये गंधक, मतलब 5 ग्राम से शुरू करके 50 ग्राम तक उनकी अग्नि बढ़ती गई। फिर वो सुबह उठते थे, पूजा पाठ करते थे, और उनको कुछ ऐसा मतलब वैद्य जो रहता है ना, हमारे सर को आप देखेंगे तो अभी वो है 60 साल के, लेकिन आप देखेंगे तो वो 20 साल के दिखते हैं, उनका स्किन इतना इतना सॉफ्ट है ना। और भी मैंने एक डॉक्टर सुभाष रानाडे सर हैं, वो अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो रसायन का सेवन करते हैं, वो ना आपसे ज्यादा यंग दिखते हैं, इतने स्मार्ट दिखते हैं, यंग दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने रसायन का सेवन किया है। मतलब रसायन का सच में बहुत फायदा होता है, तो उसमें 5 ग्राम से शुरू करना है, 6 महीने तक लेना है। हाँ डॉक्टर साजल जी का क्वेश्चन है, डैंड्रफ का परमानेंट ट्रीटमेंट। मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छा बताता हूँ, डैंड्रफ के तो बहुत सारे दवाइयां हैं। आप क्या करिए, सरसों का तेल लाइए और ना कपूर लेके आइए, कपूर को ऐसे पाउडर कर दीजिए और सरसों के तेल में डाल दीजिए, और ना उसमें विडंग डालिए, हल्दी डालिए, और ऐसे मतलब जो क्रिमिक्न है, विडंग
विडंग डालिए, हल्दी डालिए, नीम डालिए, ऐसे पाउडर मिक्स करके सरसों का तेल को डैंड्रफ में 5 दिन तक लगा के रखना है, सिर नहीं धोना है, और वो 5 दिन तक रखना है, 5 दिन के बाद सिर धोना है, आपका डैंड्रफ परमानेंट ठीक हो जाएगा, मतलब फिर डैंड्रफ नहीं आता है, वो स्किन के सारे इन्फेक्शन सरसों का तेल ये सब ठीक कर सकते हैं। शिवानी जी का क्वेश्चन है, बस्ती का काढ़ा सर किस प्रकार बनाना होता है? बस्ती का तो अभी मुझे लाइव दिखाना पड़ेगा आपको। बस्ती में हम काढ़ा कैसे बनाते हैं, एक भाग पाउडर और 16 भाग पानी, उसको बॉयल करते करते 1/4 करना है और फिर वो काढ़ा बन जाता है। आपको क्या बस्ती देनी है? बस्ती के तो इतने सारे टाइप्स हैं, मतलब ये नीरू बस्ती के इतने सारे टाइप है, यापना के लिए बहुत सारे हैं, आपको जो बनाना है आप बताइए। स्टेरॉइड का ओरल ओवरडोज की हैंड से स्किन रिमूव हो रही है, कंडोर ड्राइनेस है, ट्रीटमेंट बताइए। अभी क्या है कि स्टेरॉइड का ओरल ओवरडोज होता है ना गुरप्रीत जी, तो क्या होता है कि कभी कभी एलोपेशिया एराटा होता है, मतलब ओवरडोज से भौं के बाल चले जाते हैं, सिर के बाल चले जाते हैं, आंखों के पलकों के बाल चले जाते हैं, एक्जिला, प्यूबिक हेयर सब चले जाते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि पित्त का शमन करने के लिए पहले तो हमें वमन और विरेचन देना चाहिए। वमन करने से सारा कोष्ठ शुद्धि हो जाएगा स्नेहन शोधन करके, और उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेद, ये जो पाचक है ये देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। डॉक्टर प्रकाश जी का क्वेश्चन है कि मल्ल सिंदूर और मंजिष्ठा की मात्रा क्या है? तो मल्ल सिंदूर और मंजिष्ठा की मात्रा जो है ना, आप क्या करिए कि समान मात्रा में लीजिए और पतला एकदम लेयर लेयर करना है और घिसना नहीं है। आपको क्या करना है कि ग्लव्स पहन के, मल्ल सिंदूर बहुत जलन करता है, बहुत स्ट्रांग दवाई होती है, आपको ग्लव्स पहनना है और उसको ना वहां ऐसे गीला गीला जो लेप रहता है समान मात्रा में मिक्स किया हुआ, जब बनाना है तो पानी तभी डालिए और वहां जहाँ शीत्र है वहां लगा के रखिए और थोड़ा सा सनलाइट दीजिए, वो जब सूख जाएगा तब आ जाइए। उसके बाद में क्या होगा कि वहां ना स्किन एकदम अच्छा हो जाता है, मैं आप लोगों को ना फोटोग्राफ दिखा देता हूँ मेरे पेशेंट का, इतना अच्छा स्किन का ल्यूकोडर्मा इतना जल्दी ठीक होता है, एकदम फास्ट रिजल्ट आता है। डॉक्टर रविंदर जी का है कि शरद ऋतु में कौन सा रसायन शुरू किया करना चाहिए? अब शरद ऋतु में क्या है कि हम लोग मतलब कटु रसात्मक तो रसायन दे नहीं सकते, पिपली वगैरह दे नहीं सकते, क्योंकि तो पिपली देने से बहुत ज्यादा जलन वगैरह होगी। इसमें गुड़ुची रसायन जो है, गुड़ुची दे सकते हैं अगर आपको देना है तो, और ब्राह्म कुछ दवाइयां हैं जो एकेरी है, मतलब एक ही दवाई दे सकते हैं, उसमें गुड़ुची दे सकते हैं, शतावरी दे सकते हैं, आमलक की सबसे बेस्ट रसायन है, आमलक की रसायन च्यवनप्राश फॉर्म में आता है, या ब्राह्म रसायन दे सकते हैं, तो यह बहुत फायदा करता है। और जो चीज की अपेक्षा है, जैसे आपको ये स्किन के लिए चाहिए तो बाकुची रसायन कर सकते हैं, अगर आप च्यवनप्राश कर सकते हैं, ये शरद ऋतु में बहुत फायदा करता है। और भी कुछ विषय, अभी भल्लातक का यूज नहीं करना है, भल्लातक रसायन नहीं करना है, पिपली रसायन नहीं करना है। डॉक्टर सौरभ जी का क्वेश्चन है, एलोपेशिया में परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? जी हो सकता है, आप मुझे पेशेंट बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि एलोपेशिया में ठीक हो सकता है। सूत्र में आपने बताया कि काढ़ा बनाकर बस्ती में, अच्छा शिवानी जी आपका, अच्छा आप मुझे समझा, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया था। इसमें जो मैंने बताया कि काढ़ा बना के देना है तो हमें इसको मात्रा बस्ती देना है, मतलब वर्णगण की सारी दवाइयां लीजिए आप, मिक्स करके एक डिब्बे में रखिए और ना 1 चम्मच लीजिए और 2 कप पानी, इसको लेके बॉयल करना है, बॉयल करते करते 1 कप रहेगा, मतलब 80 to 100 ml, इतना जो हम ऊपर से लेते हैं 80 to 100 ml या 40 ml, इतना ही मात्रा हमको सिरिन से बस्ती देना है। उसमें आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं या केवल काढ़े का ही बस्ती दीजिए और वह ना पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब उसका बस्ती का प्रत्यागम नहीं होता, जैसे हम मुंह से ले रहे हैं वो नीचे बस्ती से दीजिए, इतना अच्छा रिजल्ट आता है। मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो मैं पेशेंट से बात करा दूंगा, आप और उनके पहले के फोटोग्राफ है और बाद के फोटोग्राफ है, पूरा ल्यूकोडर्मा पूरा ठीक हो गया, उसके लिए मुझे 3 महीना लगा था, जिसको पूरे बॉडी में ऐसे फैल गया था ल्यूकोडर्मा, पूरा एकदम ठीक हो गया वर्णगण के बस्ती से। विटिलिगो का ही तो मैं बता रहा हूँ जैसे हो गया पूरा रामायण हो गया, मैं ये जो लेक्चर है आप पूरा देखिए तो ये विटिलिगो का ही लेक्चर है। दीपचंद जी का है क्वेश्चन, शीतपित्त की चिकित्सा, शीतपित्त की चिकित्सा जो है, शीतपित्त प्रबंधन रस, उदर प्रशमनखंड, बृहद रुद्राखंड, केशर गुगुल, पंचम पंचतिक्त घृत गुगुल, महातिक्त घृत, ये सब है शीत, फिर उदर प्रशमनखंड, कंडुग्नगण, वर्णगण, इसका लेप लगाना है। उषा जी कहे कि अच्छा थैंक यू, अभी 1 घंटे का लेक्चर हो गया, आप लोगों को ना मुझे मैंने मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैंने 1% ही स्किन डिसऑर्डर्स पे आप लोगों को शेयर किया है, मैं और भी बताना चाहता हूँ, मैं बाद में कभी बताऊंगा जी।
जी वैद्य जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। वैद्य जी, वैद्य अरविंद पाठक जी के लेक्चर सुनने में बड़ा आनंद आता है और यह आनंद हम भी लेते हैं और बहुत आप दिल से पढ़ाते हैं। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो अपने सारे के सारे ज्ञान को जो है वो दे दें। देखिए वैद्य जी, अब मैं आपको बताऊं, आप तो पूना में बैठे हैं और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से लेके हिमाचल तक लोग आपको देख रहे हैं, और मैं बताऊं अगर आप लोगों के लेक्चर्स एक दिन नहीं आते हैं प्रोफेसर निगम के और वैद्य अरविंद पाठक जी के, तो मेरे पास फोन आने लग जाते हैं कि आज सर का लेक्चर नहीं आ रहा है क्या। तो आप कितना पुण्य का काम कर रहे हैं कि आप एक उस चिकित्सक को जो दुर्गम क्षेत्र में हिमालय की वादियों में है, जिसका ज्ञान भी शायद ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ता है। वैद्य जी, आपने बताया कि पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादायं पूर्णमेवावशिष्यते, यानी जैसा आप देते हैं वही आपको कॉस्मस से वापस आता है। ये आपकी सोच है, हमारी सोच है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही सोच सभी वैद्यों की हो और वो इस प्रकार से अपने अनुभव जनित ज्ञान को शेयर करने के लिए आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर आए। तो देखते रहिए आयुष दर्पण, हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वैद्य अरविंद पाठक के पुराने लेक्चर सारे वहां अपलोडेड हैं, प्रोफेसर उमाशंकर निगम के भी पूरे लेक्चर्स वहां अपलोडेड हैं और मेरे मर्म और नाड़ी के भी पूरे लेक्चर्स वहां अपलोडेड हैं। तो हम निस्वार्थ भाव से आपको इस प्रकार के ज्ञान का वर्धन करते हैं। वैद्य अरविंद पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आज त्वचा रोगों की प्रणाम। 5वीं सफल सीरीज, मुझे लगता है कि अगर इस सीरीज को हम अभी 5 और चला दें तब भी कम पड़ने वाली है, मैं गलत तो नहीं हूं? और चला सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरा ओके, चलिए सब्जेक्ट में भी आना चाहता हूँ। ये मैं आगे का आपको बाद तो में करूंगा। मैं हम कल आपको सूचना देंगे, हमारे 75 लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कल हम आपको, आप हमारे आयुष दर्पण जर्नल के पेज पर आते रहिए, यहाँ सवाल पूछते रहिए। वैद्य अरविंद पाठक जी से आप सारे सवाल पूछिए, वो यहीं पर और जवाब मुझे कुछ देंगे। भी ऐसे छुपाना नहीं है, मैं सारा नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। इतना मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबको सब दे सकता हूँ। एक तरह से भगवान का आशीर्वाद है, तभी तो प्रसाद आप है, हमसे जो जुड़े पंडित हैं जी वैद्य होते हैं वो अरविंद पाठक, आशीर्वाद। तभी हाँ तभी तो आप आयुष दर्पण पे हैं। हम उन्हीं वैद्यों को लाते हैं, हम उन वैद्यों को नहीं लाते हैं जो केवल मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा करते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े वैद्य बताते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, हम उनको नहीं लाते। हम वैद्य अरविंद पाठक जैसे विनम्र और बहुत ही ज्ञानवान और गुणी वैद्यों को लाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, स्किन डिजीज स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, और मैं बताऊं हकीकत में अरविंद पाठक जी हमारी पारख ही नजर जानते हैं कि उन्हें कुछ कहना नहीं चाहूंगा मैं, उनका ज्ञान का क्या स्तर है हम भी जानते हैं। वो केवल और केवल ब्रांडिंग करते हैं, लेकिन ब्रांड करके आप एक बार अपने आप को बता सकते हैं लेकिन आपकी हकीकत बहुत दिन नहीं चलती। अरविंद पाठक जी, हम कल फिर आते हैं सर आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम।